लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले 11 मार्च को मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को देश भर में लागू कर दिया। अधिसूचना जारी होने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 तक पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, हालांकि वो वैसी हो या फिर कई विरोधी पार्टियां अब भी इस CAA कानून का विरोध कर रही हैं। आपको बता दें कि CAA को दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में उस दौरान CAA के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था जो महीनों चला था, लेकिन अब करीब 3 साल बाद CAA के लागू होने के बाद यहां शांति है। हालांकि सुरक्षा जरूर कड़ी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी समझ चुका है कि इस कानून से उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है, क्योंकि ये कानून नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। CAA लागू होने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में कैसे हैं हालात, क्या है फिजा, देखिए। CAA का नोटिफिकेशन कल देर शाम जारी हो गया। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे सेंट्रल दिल्ली की बात करें या शाहीन बाग जहां पर हम मौजूद हैं, यहां भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी आपको नजर आएगी यहां पर। आपको याद होगा कि साल 2020 में इसी जगह पे जहां हम मौजूद हैं शाहीन बाग के, एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था जो कि लगभग कई महीनों तक चला था। आज स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां हैं वो आपको नजर आएंगी, RAF की जो टीम है वो नजर आएंगी, महिला कमांडोज भी यहां पे तैनात किए गए हैं RAF के, ताकि किसी भी तरीके से अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो यहां पर उससे डील किया जा सके। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम यहां पे मौके पे मौजूद है लगातार, चाहे CCTV कैमरे हो या फिर जो LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, हर तरीके से पूरे ऑपरेशंस को, इलाके को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। और आप देखेंगे कि स्थिति बिल्कुल आज यहां पे सामान्य है, किसी तरीके से किसी गाड़ी को नहीं रोका जा रहा है, गाड़ियां अपनी रफ्तार के साथ चल रही हैं। पूरे इलाके में दिल्ली के अंदर अभी शांति का माहौल है, कहीं से किसी भी तरीके से वैसे प्रदर्शन की जो खबर है वो नहीं आ रही है। लोगों को अब समझ आ चुका है कि CAA किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर, उनको नागरिकता देने का कानून है। पूरे तरीके से शांति बहाल कायम है और देखना यह होगा कि ये आखिर जो लोग हैं वो इस बात को कब तक समझकर और उसके बाद स्वागत इस पूरे फैसले का, इस पूरे कानून का कब तक कर पाते हैं। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में। पुलिस की ओर से उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहीन बाग, जामिया और दूसरे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इन इलाकों में पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर इकाई भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी नजर रख रही है। बता दें कि दिल्ली में 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम और NRC को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.